अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था संडे का दिन और संडे के दिन काफ़ी चीज़ें लेट हो जाती है, तो यहाँ पर लंच तैयार हो रहा था हमारा। तो लंच में हम यहाँ पर बना रहे हैं सेपू की सब्ज़ी, यहाँ पर चावल बन रहे थे और हमारी दाल भी रेडी हो रही थी। दाल के तड़के के लिए यहाँ पर लहसुन और कड़ी पत्तों को रेडी किया गया था। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मेरा वॉल आर्ट। ये मेरी सबसे फेवरेट वॉल है क्योंकि इसके ऊपर मैंने मेरी पेंटिंग्स लगाई हो। ये सारी हैंडमेड है और मैंने ही बनाया है इसे। ये सब आर्टवर्क का जो सिंगल वीडियो है, सिंगल शॉर्ट्स मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की हूँ। एक साथ मैं आपको पहली बार दिखा रही हूँ मेरी ये वॉल, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। यहाँ पर हमारी दाल ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और हमने यहाँ पर इसे बघार भी दिए थे। तो सेपू की सब्ज़ी में जो हमारे हरे मटर थे वो गल चुके थे, इसके बाद हमने सब्ज़ी को अच्छी तरीके से वॉश करके ऐड कर दिया था। और हमारी संडे समर स्पेशल लंच थाली रेडी है, दाल राइस, हरे मटर और सेपू की सब्ज़ी। ये है कोलबी की चटनी, इसमें कांदा कोकम वगैरह डालकर इसे बनाया जाता है। और यहाँ पर है मैंगोस और साथ ही में है पुदीने और कैरी की चटनी। तो ज़रूर बताना आपको ये थाली कैसी लगी हमारी। शाम का वक्त हो चुका था तो मैं यहाँ पर बना रही थी वेज चीज़ कटलेट, तो मैं सोची आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। सारी वेजिटेबल्स को पील करके मैंने इसे ग्रेट कर ली थी। वेजिटेबल में मैंने ली थी कैबेज, गाजर, शिमला मिर्च, बीटरूट और आलू को भी बॉईल कर ली थी मैंने, और इसे भी मैश करके मैं सारी सब्जियों के साथ मिला लूँगी। तो ये काफ़ी इजी और टेस्टी कटलेट्स है, जल्दी बन जाते हैं। आलू मैश करके ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर इसमें जाएंगे कुछ सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने ऐड की थी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही में मैंने ऐड की थी इसमें चाट मसाला पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, और मैंने थोड़ा सा ओरिगेनो भी ऐड की थी इसमें फ्लेवर के लिए। और हाँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं भूलना वरना आप खा नहीं पाओगे फिर। तो ये सारी चीज़ों को हम ऐड करके इसे कर लेंगे मिक्स। तो काफ़ी ही मतलब झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये, शाम के इवनिंग स्नैक्स के लिए। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ये ज़रूर बना सकते हैं, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और अगर आपके बच्चे सब्ज़ी खाने में नाटक करते हैं तो फिर आप ये कटलेट्स उन्हें बनाकर दे सकते हैं, वो काफ़ी शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कोथमीर और पुदीना बारीक चॉप किया हुआ। कोथमीर और पुदीना ऐड करने से भी इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैंने चीज़ स्लाइसेस ली हूँ, मेरे पास एक्चुअली वो क्यूब वाले नहीं थे वरना मैं ग्रेट करके ऐड करती। मेरे पास ये स्लाइस रखे हुए थे तो मैंने इसे बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दी थी। चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेटिव हमें देखना चाहिए। तो ये चीज़ के क्यूब्स जो हमने कट किए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की थी। तो हमने इसमें कोथमीर, पुदीना और चीज़ ऐड की थी। तो फिर हम इसे एक बार अच्छी तरीके से पूरा टोटल मिक्स कर लेंगे और कुछ इस तरीके का मिक्सचर रेडी हुआ है बनकर। अब हम इसकी टिकिया बना लेंगे। टिकिया हमें ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, मीडियम साइज़ की ही बनानी है। तो यहाँ पर हमने टिक्कियाँ भी बना ली थी और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये बीटरूट के कलर की वजह से, नेचुरल कलर आया है एकदम माशाल्लाह। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एकदम हल्का तेल लिया है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे हम। और यहाँ पर मैंने ना कॉर्नफ्लावर का घोल बना ली थी क्योंकि बिना कोटिंग के अगर हम इसे ऑयल में डालेंगे तो फिर ये टूट जाएंगे पूरे, तो आप कॉर्नफ्लावर के घोल में डिप करके फिर ऑयल में ऐड करें इसे। और इसी तरीके से हम सारी टिक्कियों को कॉर्नफ्लावर के घोल में डिप करके फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन होने तक आप इसे फ्राई करें कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्राई करके निकाल लिए थे और यहाँ पर कुछ कटलेट्स फ्राई हो रहे थे। आप भी शाम में इस तरीके का स्नैक्स बनाया करें। और अभी बच्चों की स्कूल भी शुरू होने वाली है तो आप इसे टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो रेडी है बनकर हमारे वेज चीज़ कटलेट्स। आप भी बनाए खाए पिए इंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ऐसे ही डिलीशियस और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।